बड़ा खुलासा बहराइच से, जहां पर ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि भेड़ियों के हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 8 जून को पहली बार भेड़िये ने हमला किया था। सिसैया में 3 साल के बच्चे पर अटैक किया गया था और भेड़ियों के आतंक का ये 85वां दिन है। अभी भी 2 भेड़ियों की तलाश टीम कर रही है। तो अब तक 39 लोगों पर भेड़ियों ने हमला कर दिया है और भेड़ियों का ये झुंड, जिस पर लगातार वन विभाग नजर बनाए हुए है, कैमरों के जरिए भी लगातार इन भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है। आदमखोर भेड़ियों के हमले से लगातार इस पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। इस वक्त मैं महसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा हूं, जहां के प्रभारी इस वक्त डॉक्टर आशीष वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें बात करेंगे। सर, लगातार भेड़ियों के हमले जारी हैं, आज भी 2 लोगों को एडमिट कराया गया है, क्या हालत है उनकी, कैसी है? इनकी हालत गंभीर नहीं है, नॉर्मल इंजरीज आई है, जिसका प्राइमरी उपचार कर दिया गया है और वो खतरे के बाहर है अभी फिलहाल। अगर देखा जाए तो अब तक लगभग कितने लोगों पर भेड़िया हमला कर चुका है, कितने लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया गया? इन दोनों लोगों को मिला लिया जाए तो 30 लोग सिंपल इंजरी से ग्रसित लोग हैं हमारे पास थे, अभी टोटल 30 लोग हो जाएंगे। तो जैसा कि आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप वो लिस्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट लगाई गई है, जिसमें बाकायदा हर उस शख्स का नाम और एड्रेस का भी जिक्र किया गया है जो आदमखोर भेड़ियों के हमले से घायल हुए हैं। इस लिस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक 30 लोगों को ऑफिशियल तौर पर ये भेड़िया हमला कर घायल कर चुका है, और यही कारण है कि लगातार इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़ियों के न पकड़े जाने से लोग निराश हैं और बेहद डरे और सहमे भी हुए हैं। लोगों को उम्मीद है, वन विभाग भी ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए, ताकि न सिर्फ इनके हमले कम हों बल्कि इस इलाके में व्याप्त दहशत को भी कम किया जा सके। अब देखना ये होगा कि वन विभाग को आखिर ये सफलता कब मिलती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। और इसी बीच बड़ी खबर बहराइच से कि आज फिर भेड़िये ने हमला किया है, बच्चा और बुजुर्ग दोनों पर अटैक किया गया भेड़िये की तरफ से और भेड़िये के हमले में दोनों घायल हुए हैं, इलाज अब भी जारी है। अब तक 39 लोगों पर अटैक हो चुका है। भेड़ियों के हमले में 9 लोगों की मौत हुई है, सिर्फ 4 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, 2 की तलाश जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नकाही गांव का ये बच्चा है, जहां पर करीब 1:30 से 2 बजे के करीब इन आदमखोर भेड़ियों ने इस पर हमला किया। इसकी गर्दन पर आप देख सकते हैं गंभीर रूप से ये घायल हुआ, जिसके बाद इसको महसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जब हमला हुआ तो उस वक्त चारपाई पर इसकी माँ भी मौजूद थी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितने बजे की घटना है, पूरी बात बताइए, कैसे हमला हुआ? 1:30 बजे के बाद थी आया भेड़िया और लौंडे का पकड़ ली, तो हम हल्ला करें उसके ऊपर हार रखे रहे, तब हल्ला किए हैं, तब भगा है और जान ना मिला कैसी का वह भाग के। तो क्या ये बच्चा उस वक्त घर के बाहर सो रहा था, छत पे सो रहा था, क्यों कैसे अंदर घुसा हुआ? अंगना में गेट नहीं रहे, अंगना में सोत रहे, अंधे सब है, खाली गेट नहीं रहे। तो जैसा कि आपने सुना कि अधिकतर मामलों में गेट न होने पर सीधे भेड़िया जो है वो अंदर घुस रहा है और बच्चों को टारगेट कर रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? पारस। पारस, कैसे ये पूरी घटना हुई, बताइए पूरी बात। अंगना में गेट नहीं रहा, आप ला के भेड़िया पकड़ के देखो, चला तब पकड़ के खटिया देखो पकड़ लिया तो ना कैसे भाग गए, उठे हैं तो भाग है बड़ी तेज। तो जैसा कि आपने सुना, ये बच्चा कह रहा है कि इसके घर में गेट नहीं था, जिसके चलते देर रात ये भेड़िया घुसा और उसके बाद इस पर हमला किया, क्योंकि इसकी माँ इसके साथ सो रही थी, तो उन्होंने जब भेड़िये को भगाया तब वो जाकर इसे छोड़कर भागा। इसके साथ ही एक शख्स और है जो भेड़िये के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम दरिया कुट्टी के रहने वाले हैं। ये बताइए कि कैसे ये पूरा हमला हुआ, कितने बजे की बात है? 4 बजे भोर की बात है। हाँ। और हम बाथरूम करने गए, वहाँ से वापस आए। हाँ। और चारपाई पर बैठे थे। हाँ। और वो जानवर आया, हमको पकड़ लिया पीछे से, पकड़ लिया हमको, तो कौनी मेरे के जैसे
तो तमा डालते, लेकिन उसका जब उसका गर्दन जब हमारे हाथ में आया जोर लगा के जब दाबे हैं तो वो छोड़ दिया हमको, तो वो भगा आगे के पतला है पीछे के मोट है, बार भी हैं उनके बड़े बड़े। तो जैसा कि आपने सुना कि आदमखोर भेड़िया इस लेवल पे एग्रेसिव है कि जैसे ही लोग रात में दरवाजा खोलते हैं वैसे ही वो पहले से घात लगाकर बैठा हुआ था वहां पर, उसने अटैक किया। बिजनौर में गुलदार की दहशत खत्म हो गई है, कई दिनों से गुलदार